दिल्ली में हुए विवाद के चलते इसका असर मानसा में भी देखने को मिला है। यहां भारतीय किसान यूनियन और सामाजिक संगठनों में आज शहर में रोष मार्च निकालकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि दिल्ली में हुए दंगों के कारण यहां कई लोगों की जान चली गई, वहां उनकी दुकानें जलाकर आर्थिक नुकसान करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही हो और आगे से सख्त कानून बनाया जाए ताकि ऐसी घटनाएं फिर से दोहराई ना जाए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार नागरिकता बिल के जरिए समाज में जहर घोल रही है, जिसका असर दिल्ली में देखने को मिला है। जहां बहुत सारे लोगों की जान चली गई, वहीं उनका घर और पूरा कारोबार तबाह कर दिया गया, जिसके चलते वह मांग करते हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो और आगे से सरकार ऐसा कानून बनाए कि ऐसी घटनाएं फिर से दोहराई ना जाए। मानसा से संवाददाता राजीव शर्मा आजाद की रिपोर्ट। अज साडी मानसा की बारी रखी हुई सी, जो पंजाब दी लड़न वाली सारिया हिंदुस्तान जथेबंदियां उन्होंने वालों अज असी मालकदाम के उत्ते इकट्ठ किया, जिहड़ियां लड़न वाली जथेबंदियां बस अड्डे चा के उस मुजाहरे की समाप्ति की है। क्योंकि जिहड़ी मोदी सरकार की चाल है, जो नगरता सोध जिहड़ा कानून है, उस दे उत्ते असी लगातार सवा महीने तो लड़ाई लड़ते हैं। उस दी इह कड़ी वजों अज असी मानसा शहर दे विच लोकां नूं कहा भी जिहड़ी सरकार है, मोदी सरकार है, भाई मारू जंग कराऊगी। ये तो चकन्ने रहना जिथे इन्हां ने जंग कराई है, दिल्ली दे विच कांड कराए ने, दिल्ली दे विच अणहक्कियां मौतां होईयां ने, जिहड़े मेहनत करन वाले लोक मरे आ उन्हां दे दोषियां नूं कहिंदे आ भी सजावां होण, ते गांह वास्ते जिहड़ा सारा भाईचारा पिंडां दे विच असी बणा के रखण दी सद्दा दिंदे आ। असी मालकदम तो लैके बस अड्डे तक जिहड़ा मुजाहरा किया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान दे विच नागरिकता सोध कानून के खिलाफ अंदोलन चल रहा है, शहीन बाग दे विच चल रहा है। 16 तरीक नूं मरेलकोट ने वड्डा कट करके असी ऐलान किया कि एक हफ्ता पूरे पंजाब दे विच रोस हफ्ता मनावांगे, हर रोज़ धरने मुजाहरे सारे जिले च हो रहे हैं। अज मानसा दे विच जिहड़ा मुजाहरा करके सरकार नूं असी देश लई अन्न पैदा करन वाले लोकां दा हुक्का दे के दित्ता, मंग की है कि लोगों समस्यावां ने वो करजे का समस्या है, बेरोजगारी है, इलाज का प्रबंध नहीं, विद्या का कोई प्रबंध नहीं, नौजवान वेले नशे वाले पासे तुरे जा रहे हैं। साढ़े लोगों की यह समस्या है, साढ़े लोगों की यह कोई समस्या नहीं, ना हिंदुओं ना मुसलमानों ना सिखों एक दूजे तो कोई खतरा नहीं है। साड़ी समस्या सारे की सांझी है, वह हल करो। ये समस्या तो मूँह मोड़न की खातर सानू धर्मां दे नौते लड़ाया जा रहा है, दिल्ली के दंगे करवाए जा रहे हैं और फिरकू जिहड़े भाषण दिते जा रहे उन्होंने फड़ के अंदर किया जाए, मार मराई बंद की जाए। अज का हुक्का साडा दिल्ली दे विच हिंसक घटनावां दा जिम्मेवार किहनूं मानदे आ? असी RSS भारतीय जनता पार्टी ते राज चरकाउण वाले जिहड़े मोदी अमित शाह दी जोड़ी है, जिहड़ी हुकमरान पार्टी है, जे उस दे नुमाइंदे एक पुलिस कमिश्नर की हाजिरी दे विच इह कहिंदे आ कि धरने ते ठा दिओ नहीं तां असी आप सिद्धी कार्रवाई करांगे, तां इह की है? इह सबूत है कि केंद्र दी मोदी सरकार दंगे करवाउण दी सिद्धी जिम्मेवार है। अज जिहड़ा इह धरना किसान जथेबंदियां वल्लों लाया गया है, मानसा शहर के विच रोस मार्च किया गया है, वो इस गल लई किया गया है कि मोदी अमित शाह की जोड़ी ने जो पिछले दिनों दे विच एक नागरिकता सोध कानून लागू किया है, जिहड़ा नागरिकता सोध कानून घट गिणती लोगों के खिलाफ है, जिहदे कानून के सदका एट ए टाइम मुसलमान भाईचारे के लोगों नू निशाना बनाया होया है। उस दे तहत ही दिल्ली दे विच 2-3 दिन तो लगातार जिहड़ियां हिंसक घटनावां वापर रही हैं वो इस कानून दे सिट्टा है, क्योंकि दिल्ली दे विच जिहड़ियां हिंसक घटनावां वापरियां हैं वो बकायदा मोदी होरां दी सोची समझी हुई चाल है। उस चाल दे तहत ही मतलब दिल्ली दे विच सारियां घटनावां होईयां, जिन्हां घटनावां दे विच 38 लोग जिन्हां दे विच वध गिणती लोग है जिहड़े मुसलमान भाईचारे नाल संबंधित है, वो 38 लोग है जिहड़े इन्हां हिंसक घटनावां दे विच मारे गए है, ते बहुत सारे मुसलमान भाईचारे दे घरां नूं फूका गया है, उन्हां दीआं दुकानां नूं अग्गां लाईआं गईआं है। इस करके असी अज जिहड़ा इह रोस मार्च कर रहे हां वो इस गल करके कर रहे हैं कि दिल्ली दे विच जिहड़े भी भाजपा दे मंत्रियां ने भड़काहट पैदा करके ये सारा कुछ नुकसान उत्थे मुसलमान भाईचारे का करवाया है,
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 3-4 ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। JBD Banquets lie hai incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. Aise hi latest khabar paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare। धन्यवाद।